हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिव्यूज़ अमेंडमेंट्स टू द जेजे एक्ट। ठीक है, जेजे मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। उसमें जो अमेंडमेंट्स थे उसको रिव्यू करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बुलाए गए और उसके क्या आउटकमिंग्स आई, क्या इसके अंदर था, इन सब के बारे में जानेंगे बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही इफेक्टिव वे में। उससे पहले मैं बता दूँ, जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो फ्री में अवेलेबल हो सके वहाँ पर। और उसी के साथ साथ अचीव आईएएस के जो भी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम्स आते हैं उसके बारे में आपको अपडेट मिल सके। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसको चेयर किया होम मिनिस्टर ने, वो आपस में बैठे, जिसके अंदर डिस्कशन हुआ जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं आपके जेजे एक्ट 2015 में। ग्रुप ऑफ मीटिंग हमेशा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है वो हमेशा तब बुलाई जाती है जिससे कि एक ग्रेटर सिनर्जी निकल के आ सके बिटवीन मिनिस्ट्रीज। ठीक है, जिससे कि अदर मिनिस्ट्रीज के भी ओपिनियन लिए जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर जस्टिस से रिलेटेड कोई चीज़ है, एक्ट है ये, ठीक है, लॉ से रिलेटेड कोई एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट बनना है, कोई कानून बनना है, तो उसके अंदर आपकी होम मिनिस्ट्री भी होगी, उसमें आपके चाइल्ड एंड वेलफेयर वाले भी, जो चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री भी होती है, उसके साथ साथ आपका जो कानून मंत्रालय है वो भी होता है। तो इसलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं जिससे कि वेरियस मिनिस्ट्रीज जो भी उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर इंक्लूड हो सकती है उनके मिनिस्टर्स आएँ और आपस में बैठ के डिस्कशन करें। तो अब जान लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट है क्या। तो बेसिकली ये एक्ट था 2000 वाला, उसको रिप्लेस किया गया है इस एक्ट से, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली चिल्ड्रन को एड्रेस किया जाएगा, जो बच्चे कन्फ्लिक्ट में हैं लॉ के साथ या फिर जिनके ऊपर भी केस चल रहा है, या फिर वो बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की नीड है। इसके अंदर नोमेनक्लेचर में क्या चेंज किया गया है, सबसे पहले तो जो जुवेनाइल का इस्तेमाल होता था उसको चाइल्ड कर दिया गया है, ठीक है, और अब पहले क्या था, जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, अब क्या हो गया है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। और जुवेनाइल जो था एक नेगेटिव कनोशन था, एक नेगेटिव वर्ड था, तो जुवेनाइल के हटने से ये जो नेगेटिव कॉनोटेशन है ये चीज़ हट गई है। उसके अलावा न्यू और काफ़ी क्लियर डेफिनेशन निकल कर के आई है कि ऑर्फेंड कौन होगा, अबंडेंट कौन होगा, सरेंडर्ड चिल्ड्रन कौन होगा, ठीक है, और इसके अंदर कौन सा क्राइम पेटी है, कौन सा सीरियस है, कौन सा हीनियस है, इन सब की क्लियर और न्यू डेफिनेशंस भी निकल कर के आई है। उसके अलावा जानते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं एज 16 to 18 ईयर्स वाला। तो इसके अंदर किया गया है कि कुछ जो हीनियस ऑफेंसेस होंगे उनके अंदर जो है 16 में डाला जाएगा, फिर उसको कुछ को 17 माना जाएगा, किसी में 18 माना जाएगा। इट मींस कि जुवेनाइल 16 से 18 साल तक का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो भी क्राइम हुआ है, जो भी ऑफेंस हुआ है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, वो कितना हीनियस है, ठीक है। तो ये चीज़ देखी जाएगी, हर जुवेनाइल 18 साल से कम हो ये ज़रूरी नहीं है, किसी किसी केस में उसको 16 कर देंगे, किसी में 17, इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम कि कितना वो हीनियस है। उसके अलावा जानते हैं कि मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जेजे बोर्ड, इसमें क्या कहा गया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ का गठन होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, और हर बोर्ड और कमेटी में कम से कम एक महिला मेंबर होगी, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में, और उसके अंदर कम से कम एक महिला मेंबर होगी। अडॉप्शन रिलेटेड क्लॉजेस की अगर बात करें तो इसके अंदर एक नया चैप्टर डाला गया है एडॉप्शन को लेकर के, जिससे कि जो एडॉप्शन का प्रोसीजर है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए, वो ही स्मूथ हो जाए, जो ऑर्फेंड अबंडेंट और सरेंडर चिल्ड्रन है। उसी के अलावा जो CARA है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया है, जिससे कि वो अपने फंक्शंस को और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। उसी के साथ साथ एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी अगर अडॉप्शन का केस है, अडॉप्शन के केस में जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वही फाइनल ऑर्डर माना जाएगा, और करंटली हमारे यहाँ पे 629 अडॉप्शन के जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, ठीक है। यानी कि अडॉप्शन को लेकर के CARA नहीं, जबकि जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वही अंतिम फैसला माना जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर बात रखने वाली है। उसके अलावा इसके अंदर न्यू ऑफेंसेस भी डाले गए हैं जो बच्चों के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलीगल अडॉप्शन हो गया, या फिर यूज़ ऑफ चाइल्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है। उसके अलावा डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है,
तो ये वाले जो चीज़ें हैं ये इंक्लूड गई हैं, इंक्लूड की गई हैं। पहले ये चीज़ें किसी भी अदर लॉ के अंदर इंक्लूडेड नहीं थी। उसके अलावा बात करते हैं CCI, ठीक है। CCI क्या होते हैं? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनको या तो राज्य सरकार चलाती है, या फिर कुछ वॉलंटियर लोग चलाते हैं, या फिर NGOs चलाती हैं। उनको अपने आप को मैंडेटरली रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर, जब से एक्ट लागू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं कि ये अमेंडमेंट बिल जो है ये क्या कहता है। ये कहता है कि जो एडोप्शन के जो केसेस होंगे, जिनको एडोप्शन के जो केसेस होंगे, इनको जो DM होता है वो भी देख सकता है इंस्टेड ऑफ कोर्ट, जिससे कि जो इनकी पेंडेंसी है या फिर जो लेट होते हैं वो ना हो। उसके अलावा ये कहता है कि आप कोर्ट को ट्रांसफ़र करने से पहले, जो भी अगर आपका मैटर है एडोप्शन से रिलेटेड, आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है ट्रांसफ़र करो उस एरिया को। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अब इन केसेस में फैसले ले सकता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिससे जो प्रोसीडिंग्स है वो तेज़ी से हो सके, उनका जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो सके। अब बात कर लेते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट इश्यूज और सब्जेक्ट्स को देखने के लिए बनाए जाते हैं, और ये एडोक बॉडीज़ होती हैं। एडोक मतलब टेम्प्रेरी बॉडीज़ होती हैं, जो अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं किसी भी इशू या फिर क्रिटिकल प्रॉब्लम के ऊपर। और जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो इसको जो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, उनकी जो राय वगैरह होती हैं, जो एडवाइस होती हैं, वो इसके अंदर रखी जाती हैं, और वो आगे एक रिकमेंडेशन देते हैं। बेसिकली ये इसके अंदर ये नहीं होता कि उन्होंने जो कह दिया वो ठीक होगा, ये एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी हो गई, और टेम्प्रेरी ये बॉडीज़ होती हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तो वैसे तो बेसिकली है एडवाइजरी, डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसे कहा जाता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि कैबिनेट के बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है। लेकिन पहले क्या होता था, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बन जाते थे, ठीक है, और वो रेगुलर मीट नहीं कर पाते थे, जिससे जो उनको वर्क असाइंड होता था उसमें लेट होता था। तो इसको लेकर के 2014 में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, या फिर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, उनको अबोलिश कर दिया गया था। लेकिन फिर 2015 में 16 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं बनाए गए थे, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, जो की इशूज़ हैं, उनको डिस्कस कर सकें हमारी कंट्री के अंदर। तो यही था इस वीडियो में, और इस वीडियो में हमने जाना कि GoM क्या होते हैं, EGOM क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। दूसरा आपका जुबिना इलेक्ट्रिस के अंदर क्या होगा, कैसे होगा। फिर इसके अलावा CCI, इसके क्या बेनिफिट, इसमें क्या करना पड़ेगा लोगों को, 6 महीने के अंदर इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके अलावा इसके अंदर CARA के बारे में हमने जाना। तो यही था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन करिए, और तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।